सीमा पर माल्यार्पण कर हिम्मत वाले ही चलते हैं। सम्मानीय पारसनाथ मौर्य जी, सर्वप्रथम जिसने बहिरों को कान, गूंगों को जबान, शोषित पीड़ित मानवों को ज्ञान, दलितों एवं पीड़ितों को मान, नारी को सम्मान, देश को समता, न्याय, बंधु, स्वतंत्रता, दया, मैत्री, करुणा पर आधारित जनतांत्रिक सर्वोच्च संविधान, माँ कस्तूरबा को पतिदान, गांधी को प्राणदान, इस भटके हुए भारत को बौद्ध धर्म महान देने के साथ ही भूले भटके बिसरे बिसारे छिपाए दुराए गए असली मानववादी महापुरुषों को सम्मान दिया, ऐसे महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव श्री स्वामी जी कुशवाहा जी, पूर्व विधायक प्रदेश कोषाध्यक्ष माने रामलखन पटेल जी, प्रदेश महासचिव जून प्रभारी रीमा केंद्रलाल पटेल जी, सचिव देवदत्त सोनी जी, रामलखन दीपांकर जी, श्रीमती सावित्री कुशवाहा जी, नंद किशोर कुशवाहा जी, केपी मौर्य मैयर जी, गणेश बारी पूर्व विधायक जी, कमलेश कुशवाहा जी, राम सुरेश कुशवाहा जी, बांकेलाल पटेल जी, धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, सुकेल सिंह गहरवाल जी, प्रभाकर मिश्रा जी, साकिर हुसैन जी, रामपाल सिंह प्रभारी चित्रकूट जी, गंगा वर्मा जी, कप्तान सिंह परिहार जी, बैजनाथ चौधरी जी, राकेश सोनी जी, रामनाथ यादव जी, मंच पर बैठे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, आज हमारे असली महापुरुष आलोक नायक ज्योतिबा फुले का परिनिर्वाण दिवस है। और बड़ी अच्छी बात है कि सतना के लोगों ने आज इस पावन पर्व पर आलोक नायक ज्योतिबा फुले और लोक माता सावित्री बाई को याद करने के क्रम में कुशवाहा समाज सम्मेलन आयोजित करके असली समाज के निर्माण का दिशा दिया है। और मैं भी, मुझे फक्र हो रहा है, हम उसको गमी का दिन नहीं मानते, यद्यपि परिनिर्वाण दिवस है, लोग उसे गमी का अवसर कह सकते हैं, लेकिन हमारे बौद्ध संस्कार में हम उसको उद्यांत के सिद्धांत में ले जाते। ये उद्यांत का सिद्धांत है, उदयंत उदयंत होता रहता है, जो पैदा हुआ है वो निश्चित है, वो जल होगा,
इसको कोई आज तक न मिटा पाया है न मिटा पाएगा। इसलिए आज जब हम आलोक नायक ज्योतिबा फुले की याद कर लेते हैं, आप लोगों ने याद दिला दिया, तो उनके संघर्षों को याद कर लेते हैं, तब निश्चित है अपने अंदर भी एक उत्तेजना फैल जाती है, आगे कदम बढ़ने लगता है। यही देश है जिस देश में हमारे महापुरुष आलोक नायक ज्योतिबा फुले को इतना बड़ा संघर्ष इसलिए करना पड़ा, कोई ज्ञान नहीं ले सकता था, यहां सबको अज्ञानी बना के, गुलाम बना के, लाचार बना के उनका शोषण दमन किया जाता, लेकिन हमारे इस असली महापुरुष ने जिनको यहां छिपा के दुरा के रखा गया, आज बहुजन आंदोलन यहां भी पहुंच आया है। जब बहुजन आंदोलन आ गया तो आलोक नायक ज्योतिबा लाचार गुलाम, स्कूल नाम की कोई चीज नहीं, स्कूलिंग की कोई व्यवस्था नहीं, अगर किसी ने पढ़ने का मन भी बना लिया तो उसके साथ जुल्म उठाया गया, अरे पढ़ोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, पाप महापाप हो जाएगा। धर्म था अज्ञानी बनाने का, धर्म था अंधेरा पैदा करने का, लेकिन हमारे इस असली परिवार में से पैदा हुआ असली महापुरुष जब ये ज्योति बालक देख लिया कि हमको भी ज्ञानवान बनना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, और अपना स्कूल में नाम लिखा लिया, जब नाम लिखा लेता है तो यहां अधर्मियों के ठेकेदार धर्म करार करके ये आतंक मचाने लगे, उनके पिता गोविंद राव से कहते, अरे गोविंद तुम्हारा लड़का स्कूल में नाम लिखा लिया है, अरे पढ़ने जा रहा है, मना करो नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, अधर्म होगा, महापाप होगा, धरती धंस जाएगी। ज्योतिबा फुले के पिताजी दबाव में आकर कहने लगे, बेटा स्कूल जाना बंद कर दो, सब लोग कह रहे हैं कि सत्यानाश हो जाएगा परिवार का, समाज का सत्यानाश हो जाएगा, यहां पढ़ना पढ़ाना या धर्म, मूर्ख बन के रहना एकदम लगे खाए रहना है, ये समझ लो। ज्योतिबा फुले ने ठान लिया, अब कह दिया अपने पिताजी से कि पिताजी कोई भी बाप अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे बेटी को पढ़ाई से नहीं रोकता, सब अपने बेटे बेटी को ज्ञानी बनाना चाहता है, जो बाप होगा ज्ञानी बनाना चाहेगा, लेकिन पूरी सामने बिल्कुल स्थिर ऐसे खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे, ये धर्म के ठेकेदार दरिंदे ये आतंक मचा के आप पर दबाव डाल रहे हैं,
अगर पढ़ना पढ़ाना अधर्म है, भगवान नाराज हो जाता है, तो भगवान आवे हमारी जीव ऐठ दे, हमको बेहोश कर दे, तब तो मैं समझ जाऊं कोई भगवान रोकता है। इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं पढ़ता रहूं। पिताजी, अगर आपको बहुत डर है इन सबों से, तब मैं आपसे अलग होकर रहूंगा ताकि आप पर आतंक ना हो ये बदमाशों का, और भगवान आएगा रोकने के लिए, अब कोई भी आएगा रोकने के लिए, तब मैं आपका असल बेटा हूं, मैं भी बच लूंगा ऐसे दरिंदों से जो पढ़ने लिखने के लिए मना करने आएगा। ये हमारा असली महापुरुष, अभी तक नकली में आप फंसे थे, असली तो आप दिखाई पड़ रहा है, अपने अभी आप नकली में फंसे थे। ज्योतिमा पढ़ने लगा, पढ़ता गया, बढ़ता गया, और जो सारी विद्वता हासिल कर ली। जब सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज अधिकारियों का तांता लगा, ज्योतिबा फुले को उपहार मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, और ज्योतिबा फुले को नहीं, ज्योतिबा फुले के पिताजी को भी सम्मान मिलने लगा, उपहार मिलने लगा, तो ही पिता गोविंद राव कहने लगे कि अरे ये सब तो हमको बहकाते थे, कहते थे कि तुम्हारा लड़का पढ़ लिख लेगा तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, धरती धंस जाएगी, धरती धंसी नहीं, हमारा सत्यानाश हुआ नहीं, हमारा तो सम्मान बढ़ गया, इस परिवार का भी सम्मान बढ़ गया। लोगों में भावना बन गई, इन्होंने जब देखा कि हम पढ़ लिए, हमारा सत्यानाश नहीं हुआ, ज्ञान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, यहाँ नारी को भी ये पढ़ने नहीं देते हराम को, और हाथ और यहाँ घुमा भी रहना, ठीक है ना, तो हम अपनी पत्नी को ही पहले पढ़ा देंगे। दोनों ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाते पढ़ाते उनको भी विद्वता हासिल करा दी। नारी जगत में एक अनोखी महिला लोगी नारी शक्ति, उसका भी सम्मान बढ़ गया, उसको भी उपहार मिलने लगा। जब सम्मान बढ़ गया तब ज्योतिबा फुले और इनकी धर्म पत्नी सावित्री बाई, उन्होंने आपस में राय किया कि हम लोगों ने तो पढ़ लिया, लेकिन करोड़ों हमारे भाई बहन तमाम कंधों तक पड़े हैं खेत खलियानों में, जब तक इन लोगों को भी शिक्षा का दरवाजा खुलवा न लिया जाए, जब तक इन्हें भी शिक्षित न कर दिया जाए, तब तक हमारे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होगा। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने एक स्कूल, नारी का स्कूल सोच लिया, एक पुरुष का स्कूल खुलेगा तो एक अगर लड़का पढ़ा लिखा होगा तो वहीं तक रह जाएगा, लेकिन एक लड़की शिक्षित हो जाएगी तो दो परिवार शिक्षित हो जाएगा।
जहां पैदा होगी वो भी और जहां वो ससुराल जाएगी वो भी, दो परिवार शिक्षित हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। तो बता देना मेरे को, ठीक है ना? इसलिए है ना, एक कन्या विद्यालय खोलने का तय नहीं भाई, कहीं जगह नहीं मिला, कोई जगह नहीं देने दे रहा है। किराए पर मकान जहां लेने जाए वहां ये धर्म के ठेकेदार जिनको आप धर्मी कहते हो ये जाके लाठी लेके वहां धमकी देते थे कि अपना मकान अगर किराए पर दोगे तब खैरियत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज से ही एक बुजुर्ग 80-85 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति, उसने देखा ये ज्योति तो साक्षात ज्योति है, ये ज्योति फैलाना चाहता है, असला धर्म ये चलाना चाहता है। इसलिए वो बूढ़े ब्राह्मण ने अपना पूरा का पूरा बड़ा मकान ज्योति को दे दिया, कहा स्कूल खोल दो, ज्योति फैलाओ। अब स्कूल खुल गया, नाम लिखने का मामला आया, तो नाम लिखा जाए, कोई नाम न लिखा सके अपनी लड़कियों का, इसलिए खिसियान बिलरिया खंभा लोचे। जब ब्राह्मण समाज का एक बुजुर्ग ने अपना मकान दे दिया, स्कूल खुल गया, तो अब हर जगह सबके घर जा जा करके मना किया गया कि अपने लड़कियों को भेजोगे, अरे वो तो कलंकनी है, पापनी है, राक्षसनी है, राक्षस है, अरे वही स्कूल खोल रहे हैं, धरती धस जाएगी, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तभी नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं तो उठ खड़ी हो। पांच ब्राह्मण परिवार की कन्याओं ने ठान लिया, ठाना ये कि जब एक काशी की लड़की और इतनी बड़ी विद्वता हासिल करके ये शिक्षिका बन सकती है, प्रथम शिक्षिका हो गई, तो मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी शिक्षिका बनूंगी, इसलिए जाकर के नाम लिखा लिया। जब पांच ब्राह्मण कन्याओं ने नाम लिखा लिया, तब ये हमारे भोले भाले परिवार के लोगों ने तब सोचा कि अरे हमको तो मना कर रहे थे, लेकिन अपनी लड़कियों का नाम धीरे से जाके लिखवा लिया, बहुत चलाक बनते हैं। तब यहां लड़कियों का नाम लिखाने का तांता लग गया, इतने लड़कियों का नाम लिखा गया कि स्कूल में जगह नहीं रह गया, स्कूल चलने लगा धड़ल्ले से। जब स्कूल चलने लगा तो अब क्या सोचे, अब तो और इनका मुंह काला हो रहा है। तब जाकर के क्या करते हैं, जब हमारी मां सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाया करती तो ये सब रास्ते में कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते, गाली देते, बोली बोलते, कोई सब व्यवस्था बाकी नहीं रहा था जो हमारे मां के ऊपर कीचड़ न उछाला गया हो। खून खोल जाता है जब याद आ जाती है,
टीचर फेंका गया। माँ हमारी जब स्कूल जाने लगे तो एक साड़ी अलग से छिपा के ले जाती थी और जो साड़ी पहन के जाती थी सारे रास्ते भर कीचड़ हो जाता। जब स्कूल माँ हमारी पहुंच जाती थी तो कीचड़ से सनी हुई साड़ी स्कूल में ही मुठियों पर टांग दी जाती, बहुत ज्यादा बढ़ गई ये टांग दी है पक्का वहां से इशारा कर देना ठीक है ना। पहन के दिन भर पढ़ाती थी फिर वो कीचड़ वाली साड़ी हमारी माँ पहन लेती थी और अच्छी साड़ी छिपा के लेके आती। इतना बड़ा जुर्म धर्म के नाम पर, जिसने सही माने में धर्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसी हमारी मां भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के साथ ये जुर्म ढाया गया। ये आज बहुत समझने की बात, नहीं समझोगे तो वही होगा भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुरा है। इसलिए कि सबके पास आंख कान नाक मुंह जीव जिस मस्तिष्क है सब देखो परखो निरखो समझो बूझो विचारो और समझो कि तुम्हारे मां बाप के साथ क्या जुर्म उठाया गया है धर्म के नाम पर। लेकिन मां हमारी कहती थी अरे दरिंदों धर्म के ठेकेदारों आज तू जितना जुर्म ढाना हो ढाले, अब तो हमने ज्ञान की दरिया बहा दी है, आने वाला समाज ज्ञान की दरिया में डुबकी लगाएगा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये लोग रह गए। उसके बाद एक अछूत का बेटा भीम बालक भी पढ़ने के लिए हिम्मत करके आगे आया, उसका तो नाम ही नहीं लिखा जा रहा था। उनके पिता राम जी राम दर दर भटक रहे हैं, नाम लिखा जाए नाम लिखा जाए। एक तरफ बेटा भीम बालक कहता बाबा मेरा भी नाम लिखा दो मैं भी पढ़ना चाहता हूं, दूसरी तरफ बाप का कलेजा फटा जा रहा है कि हाँ ऐसे धर्म के ठेकेदार दरिंदों का जमाना है, हरामखोरों का जमाना है जो पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, नाम कैसे लिखा जाए। 6 महीने तक घूमते रह गए, कहीं नाम नहीं लिखा गया। जब एक अंग्रेज अधिकारी के पास जाते हैं, वहां जब अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ना चाहता है लेकिन यहां के लोग नाम नहीं लिखने दे रहे हैं, कहीं नाम नहीं लिखा जा रहा है, अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया तो नाम तो लिखा गया लेकिन दिल दिमाग पर हरामखोरी ही छाए नहीं। नाम लिखा गया लेकिन वो छूत का बेटा भीम बालक क्लास के बाद
बाहर ही रह करके पढ़ेगा, अंदर क्लास में नहीं आ सकता। लेकिन भीम बालक का तो उद्देश्य था पढ़ना, ज्ञानी बनना, सर्वोच्च विद्वता के स्थान पर पहुंचना था, इसलिए किसी के बदतमीजी नहीं देखा, उससे उलझना नहीं चाहा। भीम बालक पढ़ता गया, टॉप करता गया, पढ़ता गया, आगे पढ़ता गया, और मन में ठान लिया कि मैं इतना ज्यादा आगे पढ़ के निकलूंगा कि ये ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का सपना ये धरती पर मैं साकार करके रहूंगा। हाँ, वो भीम बालक इतना पढ़ता गया, इतना पढ़ता गया, इतना ऊंचा पहुंच गया कि अछूत का बालक इतना बड़ा अछूत हो गया कि पूरे धरती पर कोई माई का लाल उस ऊंचाई को छू नहीं सकता। कुछ वाले जाने बहुत बहुत बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं जो सब कुछ कर लेती है, लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर जो अछूत का बालक था, इतना बड़ा अछूत हो गया वहां कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर दी, पहले की सारी मान्यता समाप्त कर दी, चाहे तुम्हारे धर्म का मान्यता रहा हो, चाहे कर्म का मान्यता रहा हो, चाहे कौनो मान्यता रहा हो, सारी मान्यताएं समाप्त। अब आप सबकी मान्यता यहां रहेगी धरती पर, रह दिया जो संविधान यहां दे दिया गया है आपको, जनगण मन के नाम समर्पित कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, यहां के जनगण मन को ताकतवर बना दिया। तकदीर बनाना है तो आप बनाओगे, अब दूसरी कोई नीचे ऊपर की शक्ति में ताकत नहीं है कि तकदीर बनाने का काम करे। अरे पहले वो अपने के लिए बच जाए कि क्या कहलाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये समझने की बात है। सारी ताकत आपको दे दी, जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए कर दिया, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जब अनिवार्य कर दिया तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग स्कूल जाने नहीं देते थे, जो लोग हमको पढ़ने नहीं देते थे, जो लोग यही ज्योतिबा फुले को कहते थे अरे साग मूली कौन बोएगा, खेती बाड़ी कौन करेगा जब ये पाल लेगा, तो बाबा साहब ने स्पर्श शब्दों में कह दिया कि आज हमने जिसको गुरु मान लिया था, आलोक नायक ज्योतिबा फुले सावित्री बाई का सपना आज हमने साकार कर दिया, अब गांव गांव तक घर घर तक लोग पढ़ने के लिए जरूर जाएंगे। अब वही लोग जो मना करते थे लाठी लेके क्यों पढ़ाओगे, वही लोग स्कूल खोल खोल के स्कूल खोल खोल के दुग्गी पिटवा रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन
छपवा रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं टीवी और रेडियो से। अब कह रहे हैं आओ भाई, हमारे स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है, नाम यही लिखा दो, यही लिखा दो। अरे ये महापुरुष, इस महापुरुष ने बदल दिया तुम्हारी बकवास के धर्म की नीति जो अंधेरा पैदा करती थी, आज उजाला पैदा कर दिया गया है। वो हमारा महापुरुष, असली महापुरुष, आज उसका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये नहीं कि अंधेरा पैदा कर दे, अंधेरा पैदा करना मान धर्म, उजाला हो जाए क्या धर्म? उजाला में कौन डरता है? चोर उचक्का लुटेरा डकैत यही ना डरते हैं, इसलिए उजाला हो जाएगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। उजाला हो जाएगा तो चोर चोरी नहीं कर पाएगा, इसलिए अंधेरा बना रहे तो हम अपना चोरी कर सकते हैं। लेकिन उजाला तो हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रयास फैल गया, असली महापुरुष दिखाई पड़ने लगे जिसके नक्शे कदम पर हमको चलना है। शिक्षा का दरवाजा तो खुला ही, अरे जो तकदीर बनाता था करता रहता था वहां बैठ के, तकदीर बनाता था, कारखाना उसका वहीं लगा हुआ है। तकदीर जिसका बना दे वो राजा के रानी के पेट से पैदा हो जाए, वो नवाब के बेगम के पेट से निकल आवे, तो चाहे बेगम के पेट से निकला चाहे रानी के पेट से निकला, अंधा को ही लंगड़ा लूजा काना कोतर बहिरा, वही राजा रानी वही नवाब और बेगम हुआ करते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना दुनिया के सबसे बड़े प्रकाश भारत से निकला प्रकाश बुद्ध का प्रकाश, उस बुद्ध के दर्शन और प्रकाश से लैस होकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना जो कर दी, उससे क्या हो गया 26 जनवरी 1950 को ही सारी रानियों के सारी बेगमों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। तुम्हारे पेट से राजा रानी और नवाब बेगम ना पैदा होने पाए, ना ना, अब तुम्हारे पेट से आए बेगम आए रानी, तुम्हारे पेट से वैसे बच्चा निकले जैसे हमारी मां बहनों से बच्चा निकलता है, अलग मत भाग। अब अगर कोई चाहे, कोई अगर चाहे तो कोई चाहे कोई अगर चाहे तई जितना 33 करोड़ देवी देवता है और उनका तो परिवार नियोजन नहीं हुआ, 33 अरब हो गए होंगे सर, वो भी और दूसरे दूसरे लोग भी उल्टा तंग जाए, अरे तकदीर बनाए जो हमारे बेगम के पेट से ही निकल आवे काहे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़े है। है कोई माई कलाल कोई धर्म परंपरा है कोई सामने आ जाए, नहीं तो धर्म के नाम पर बकवास करना बंद कर दो,
समाज को धोखा मत दो, समाज उठा हो रहा है, शाम भी नहीं आती। एक बहुत बड़े हिंदू के ठेकेदार, उनका भाई है जब उनको मार दिया, उनका भाई जो उनको मार दिया, नाम हम नहीं जानते, आप जानते हो, तो उनको एक को हिंदू डॉक्टर नहीं दिखाई पड़ा। तब कौन कौन डॉक्टर आया? बौद्ध आया, पारसी आया, ईसाई आया, और सब दूसरे देश से लाया गया। खराब नहीं हो रही कह रही थे, क्या बात है? तो महाविद्रंजय पाठ, हाँ तो मिल रहा है, थक गए लगा था कराने में, पूरे देश में, देश के बाहर हूँ, सुस्ता ले फिर मैं कहीं करे, अरबों खरबों रुपया लगा दिया गया, लेकिन बचा पाए? जब उनके अपने ठेकेदार को नहीं बचा पाए, तो आप तो क्या ही है, खरबुदाह समाज को क्या बचा पाएगा? बचा पाएगा क्या? काहे उस चक्कर में फंसते हो? क्यों फंसे हो उस चक्कर में? उस चक्कर में फंस गए हो इसलिए चेहरा मुरझाया हुआ है, इसीलिए लाचार हो, इसीलिए रोजाना सताए जाते हो, सारी खबर मिलती रहती है, इसलिए समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तब जैसे के जैसे रह जाओगे। समय आ गया है आपके महापुरुष का, और अपने महापुरुष को पहचानोगे नहीं तब रह जाओगे वैसे ही। असली को नहीं पहचानोगे, नकली लेके चलते रहोगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जब पहले राजा पेट से, अब राजा ओट से हो गया, अब आपकी राय से जनप्रतिनिधि जाएगा, वो राजा नहीं तो आएगा, वो आपका डेलीगेट होगा, प्रतिनिधि होगा, आपसे बड़ा नहीं होगा, आपका आपका विचार लेके जाएगा, आपके बचाव के लिए, आपके विचार के लिए, समाज के हित के लिए वहां बैठ के कानून बनाएगा, कानून की रक्षा करेगा। लेकिन क्योंकि नकली वाले सब पहुंच गए, असली लोगों से वोट लेके, राय लेके नकली लोग पहुंच गए और नकली चीज चला दिए, इसलिए आज 7 साल से आप भोगते चले आ रहे हैं। और दूसरा कारण नहीं, आपने अपने को पहचाना नहीं। जब अपना पहचान जाते थे ये स्थिति नहीं रहती, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, वो तकदीर नहीं बनाएगा, तकदीर आप बनाओगे, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए तकदीर आप बनाओगे। लेकिन अभी तक चूंकि आप असली पर रहे नहीं, असली रहते हुए भी असली नहीं रहे, मैं तो इसीलिए हर जगह कहता हूं, मैं असली परिवार का, असली मां बाप का असली बेटा हूं, और इसलिए मैं कहता हूं असली परिवार का असली बेटा हूं, इसलिए कि हमारे परिवार के लोग खेती करते थे, साग सब्जी फल फूल पैदा करते थे, तो उनके पैसे में कोई मिलावट की बात हो नहीं सकती। अरे लौकी, कोहरा, सेम, सरपुतिया, गाजर, मूली, जौ, चना, मटर, मेथी, धनिया, सोआ, पालक, मूली, मिर्चा में कोई माई का लाल मिलावट कर सकता है क्या? जब हमारे
परिवार के पैसे में मिलावट नहीं है तो पारसनाथ मौर्य के पास में कहां से मिलावट आ जाएगा। यहां कुल बिना मिलावटी है बात होती है। मिर्चा की तरह से बात करते तो मैं कहता रहता हूं भाई मेरे बाप दादा मिर्चे पैदा करते चले आए तो मिर्चे ना होगा और क्या होगा। लेकिन मिर्चा असली है, मिर्चा असली है। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है और किसी घर का रसोई ऐसी नहीं है जहां हमारा मिर्चा घुसा न हो। नहीं देंगे, असली रास्ते पर चलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। जाओगे कहा, असली बन के रहना हो तो इधर बहुजन आंदोलन में, नकली बन के रहना हो तो उधर चले जाओ। जब ये असली जान गए और किस मामले में असली, तीन घंटे से लेके हवाई जहाज तक सारी फैक्ट्री अगर बंद कर दी जाए तो भूखों मर जाएंगे। क्या भाई भूखों मर जाएंगे पढ़ी? हाँ कोई नहीं मरेगा। तीन घंटे से लेके हवाई जहाज तक सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाए तो पाणी जी कह रहे कोई नहीं भूखों मरेगा, लेकिन हमारी खेती वाली फैक्ट्री बंद हो जाए तब बताओ क्या होगा। तो चाहे नीचे रेंगने वाला हो चाहे ऊपर उड़ने वाला हो सब पर गिर जाएंगे कि नहीं, असली भी है कि नहीं। असली हम असली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं असली रास्ते पर चलना है। तो असली रास्ते पर चलोगे तो बहुजन याद आएगा, इसलिए कि बहुजन ही असली पुरुषों का दर्शन दिखा रहा है। बुद्ध ने कहा था शायद अभी कभी चार टन बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जो चलते रहो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, ऐ भिक्षु चलते रहो बहुजन के हित और बहुजन के सुख के लिए। सबके हित और सबके सुख के लिए नहीं कहा, ये कान खोल के सुन लीजिए, जो सबके हित और सुख की बात करता है वो नकली बात करता है, फर्जी बात करता है। कोई भाषा जब नहीं समझ में आती है तब हम लोग कहते हैं भाई सबके हित की बात तो हो रही है, लेकिन सबका कौन? जो अपराधी नहीं है उसका, जो अपराधी नहीं है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां एक घर या दो घर जाति को छोड़ के समझिएगा तब समझ में आएगा, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पूरे गांव को इतना ज्यादा आतंकित किया है, तबाह और बर्बाद कर दिया है कि समूचे गांव गांव के लोग सही बात नहीं बोल पाते। मैं कोई जाके बोलवा दे तब जाने, और बहुजन का हित का आप सबके हित की बात करेंगे तो जो गांव को तबाह बर्बाद कर रहा है हम उसका भी हित करें? नहीं, बहुजन का हित है, बहुजन का सुख है, बहुजन आंदोलन है। तब जितना गुंडा बदमाश है उस और बाकी सब सुरक्षित रहे, बाकी सब आजाद रहे, बाकी सब आपस में भाईचारा पैदा करके
नए समाज की रचना करने में लग जाए। ये है बहुजन आंदोलन। गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भगवान बुद्ध भी अलग से कहीं से दर्शन लेके नहीं आए थे। आप ही को देखे, परिवार को देखो, समाज को देखे, आप भी जाके देख लीजिएगा। जब आपके घर में चार छह बच्चे हो और अभी दौड़ भी नहीं पाते हो, उनको सबको पांचों के एक जगह बैठा दीजिए, उनको खिला पिला के बैठा दीजिए पांचों बच्चों को, और एक एक खिलौना थमा दीजिए एक समान। मान लो नीले रंग की हाथी थमा दिया सबको एक समान, और जब आप थमा के चले जाते हैं अपने काम में, तब एक लड़का उसमें ऐसा निकलेगा जो अपनी हाथी तो इधर दबाएगा और दूसरे बच्चों की हाथी छीन छीन करके यूं लेके मौज करता है। तब दूसरे बच्चे रोने लगते हैं, तब गार्जियन फिर आता है, क्या हो गया, सब बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो गार्जियन आकर के देखता है, अरे इसने तो अपनी हाथी अलग पाया, सबकी हाथी छीन लिया, इसलिए सब बच्चे रो रहे। गार्जियन उसको पहली बार समझाता है, कहता है देखो बच्चे, ये भी तुम्हारा भैया है, ये भी भैया है, ये भी भैया है, ये बहनी है, सब एक साथ मिलके खेलो। फिर सबको थमा के चला जाता है फिर अपने काम में, चाहे माँ आई, चाहे बाप आया, चाहे भाई आया, चाहे बहन आई, फिर अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस बच्चे में फिर रिएक्शन होता है, वो अंदर सोचता है कि इसने बुला लिया, फिर हमारी हाथियां छीन ली, फिर वो फिर छीन लेता है, सबका छीन करके बहुत दूर जाके बैठा देता है, और इन बच्चों को फिर हाथियां थमा के और सब बच्चे खेलने लगते हैं। तब वो बच्चे खेलने लगते हैं, हंसने लगते हैं, वही है बहुजन हिता, बहुत बढ़ गया है जगह जगह। ये है बहुजन का हित, तो बहुजन का सुख। इसलिए बहुजन आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन आंदोलन बढ़ा, सत्ता भी अपने हाथ में ले लिया, सत्ता हाथ में ले लिया तो बहन कुमारी मायावती को याद आया, पानी पे भगवान बुद्ध का दर्शन, पानी पे शब्द लिखे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बहुजन का हित करना है, बहुजन का सुख देखना है, अरे गुंडे बदमाश हरामखोरों को जेल ठूकना है। इसलिए बहन कुमारी मायावती कुर्सी पर बैठती स्वयं अपने आराम के लिए नहीं, ये गांव गांव तक फैले किसानों मजदूरों गरीबों शरीफों की असली आजादी के लिए, हर गांव गांव से जितने गुंडे बदमाश लुटे शराबी कबाबी सबको जेल में ठुकवा दिया, तब वहां के लोग आज स्वतंत्र हैं, स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। ये है बहुजन का हित, तो बहुजन का सुख। उत्तर प्रदेश में इसीलिए लोग भेदभाव छोड़ के ब्राह्मण समाज भी बड़े तेजी के साथ, बच्चा बच्चा लग गया, एक ही भावना बची थी, इसलिए कि अपराधी किसी का नहीं होता, अपराधी अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, तो पूरे समाज का क्या हो सकता है, धर्म का क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा चूंकि स्वाभिमानी ब्राह्मण समाज के लोग थे, इसलिए सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, ब्राह्मण ही ज्यादा सताया गया, ब्राह्मणों ने महसूस कर लिया कि हमने गलत आशीर्वाद दिया, मामूली दक्षिण
ना पाकर इतना बड़ा आशीर्वाद कह दिया कि आज जुर्म ढा रहा मेरे ऊपर। जब मार परी शमशेरन कहता महाराज मेरा, जब ब्राह्मण समाज भी लूटा गया पीटा गया गांव गांव से भागने के लिए मजबूर हुआ, तब ब्राह्मण समाज का बच्चा बच्चा जाग के अब बहुजन आंदोलन की अगुवाई करने लगा। आज पूरे प्रदेश में बहुमत की सरकार बन गई। वहां लोग समझते थे ये बहुजन समाज तो बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, 100 मिली रहे थे 130 तक मिलेगी। ये गणतज्ञ लोग रहे हैं ना, ये गरीब में बहुत पक्के रहे कौन गणतज्ञ, लाल मुजक्कर सिंह बहुत बड़े गणतज्ञ पैदा किए भारत की धरती। और इतना बड़े गणतज्ञ थे उनके आगे कोई टिक नहीं पाता। एक बार उनका परिवार तीर्थ करने के लिए जिद किया, कहते हैं तो औसत गहराई 2 फीट हो जाती है। अपने परिवार से कहते हैं कि जाओ तीर्थ करके चले आओ, केवल 2 फीट गहरा है, अब मेरे गरीब को दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता। गरीब लगा के चले जा रहे, जब परिवार के लोग पानी में चलने लगते हैं तो पानी यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो परिवार के लोग कह रहे थे अरे ज्यादा गहरा पानी है, कह रहे झूठ मत बोलो, मेरा गणित कभी झूठा हो नहीं सकता, बढ़ते जाओ मत बेवकूफी करो। परिवार के लोग बढ़ते गए बढ़ते गए, पानी यहां तक चला आया, ये यो करके तो बता दे, झूठ मत बोलो मेरा गणित कह रहा है, मेरा गणित कहीं फेल नहीं होता। पानी इतने पानी में पूरा परिवार अंदर अंदर पार हो गया, पता ही नहीं लगा कि कब वो तीरथ में गए और तीरथ से लौटे कि नहीं लौटे, वो तो गणितज्ञ महाराज का पार कर दिया। इसे गणितज्ञ लोग हैं, लेकिन हम चमेरे लोग बहुजन लोग अपना गणित जानते थे कि हम बहुमत से हाँ सरकार बनाएंगे। जब मैं जहां जहां कहता था तो ये प्रेस वाले लोग कहते थे कि मौर्या जी क्या बात कर रहे हैं। अरे हम कहा आपको तो हमारी बात इसे नजर आएगी, लेकिन यह असली बात है, असली तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, इसलिए तू नकली है। वही सही यूपी में 100-130 तक कहते रहे, लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ, जब बहुमत से सरकार बन गई, तो आप कहते हैं अरे ये करिश्मा हो गया, क्या हो गया, करिश्मा हो गया, ये फर्जी लोग करिश्मा की बात करते हैं। यहां तो करिश्मा नहीं कर्मठता की बात करते हैं, ये हमारा असली परिवार काम करके खाने वाला परिवार है, ये झूठ नहीं सही बात करता, असली बात करता है। इसलिए वही संदेश गुरु का बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज जब वहां सरकार चल रही है तो गुंडे बदमाश जेल में छोड़ दिए गए, जो नहीं गए वो मध्य प्रदेश भाग आए, जो
बचे हैं वो हमारी माँ बहनों की साड़ी पहन के बिलाउज पहन के घर में रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन बहुजन आंदोलन भी क्या है? बहुजन आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ये जानदार तवपात पर उन्होंने महिला पुलिस को लगा दिया हर गांव का। जाओ देखो कहीं रोटी बेलती हुई कोई अपराधी तो नहीं है, उसको पकड़ के जेल भेजो। और इधर जब लोग भाग के मध्य प्रदेश की तरफ आने लगे तब इधर मुझे भेज दिया गया, माननीय रघुनाथ मिश्रा को भेज दिया गया, माननीय ब्रजेश पाठक को भेज दिया गया, अकमर बासा सिंह को भेज दिया गया। मुझसे बहन जी ने कहा सब भाग के गए मध्य प्रदेश में, जाओ देखो वहां ये टिकने न पावे। ये निश्चित समझ लीजिए कि मैं यहां भी आ गया हूं। अब यहां से भागकर कहां जाएंगे? जाएंगे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी हमारे साथी लगे हैं, वहां भी बात हो रही थी कि मौलिया साहब एक आध माल आप चले आइए, तो हम वहां भी एक आध माल जाएंगे। तो ये लोग भागे कहां कूदेंगे? समुद्र नजदीक है, उसी में कूद के समाप्त हो गए। ये बहुजन आंदोलन है, कोई बचने नहीं पाएगा। इसलिए आज वहां विकास कार्य भी इतना तेज हुआ, जब जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी विकास कार्य तेज हुआ। आज विकास कार्य इतना तेज गति पे है, रात रात भर कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, जीडीओ साहब, इंजीनियर साहब, सब लोग दिनों रात लगे हैं। रात में गैस जला जला के काम होता है। अब क्या दिया बहन जी ने कि अब किसी के दरवाजे पर ऑफिस के सामने पर्दा नहीं रहेगा। पर्दा नसीन बेगम होके मत रहना एक कलेक्टर। तू कलेक्टर साहब कहलाओगे तो तुम्हें हम यहां से निकाल के बाहर कर देंगे। कलेक्टर साहब मत कराना, कमिश्नर साहब मत कहना, बल्कि कहना हम आपके नौकर। कानून में तू नौकर हो, साहब नहीं हो। अब इस समय अफसर की अफसराएं परेशान है, अफसराएं माने अफसरों की बीबियां। अफसरों की बीबियां यूं परेशान है, वो घी कटियाना जला जला के रोज हनुमान मंदिर में जाके अरे असली बन जाओ, असली बना दो तो नकली भाग जाएंगे। यही मजा यहां भी मिलेगा आप सबको। इसलिए मैं असली बनाने आया, यहां तो लोग नकली पर बहुत उड़ रहे, यहां तो हम आ गए इस तरह से वही सोशल इंजीनियरिंग के नाते। यहां भी मध्य प्रदेश में भी बहुजन आंदोलन की सरकार बन जाएगी। अब बहुजन आंदोलन की सरकार बन जाएगी तब हम पूछेंगे इन लोगों से, आप पूछोगे, असली लोग पूछेंगे कि बोलते हैं साथ क्या सलूक किया जाए, तब ना पूछोगे।
जब यहां असली का जमाना ला दोगे था, इसलिए हो रहा है। और आज के बाद नौ भी आ रहा है, लोग होश में रहे। अब ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, दोनों चोरे चोर मौसियाउर भाई, ये कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, अरे ये सब लोग जान गए। अब असली बहुजन आंदोलन आ गया है। अब कहां जाओगे, पकड़ गए हो। अन्नों में भारत की सरकार का भी अब नतीजा नया होगा। वो कमेरी मां बाप की बेटी, असली मां बाप की बेटी बहन कुमारी मायावती सन 9 में भारत की प्रधानमंत्री हो जाएगी। जब भारत की प्रधानमंत्री हो जाएगी, तब इन लोगों को क्या किया जाएगा। ये जो राम मंदिर बनवाने में लगे, राम का सेतु बचाने में लगे, पहले कहते थे राम लला हम आए हैं आएंगे, हम मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे। जब ये कहते कहते हिंदू भोले भाले समाज के लोगों ने हिंदू के नाम पर राम के नाम पर वोट दे दिया, जब नीचे ऊपर भाजपा की सरकार बन गई, ऊपर अटकल जी नीचे भटकल जी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हो गए, तब सोचने लगे कि अब क्या करें। अब तो अगर मंदिर नहीं बनवाएंगे तो हमारा कलई खुल जाएगा। तब वहां से नाटक करते हैं, अयोध्या तक आते हैं, आके वहां कहते हैं राम लला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे। सांत्वना दे रहे हैं बेचारे को, राम लला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे, राम लला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। आज तक बताए तारीख नहीं बताए, और उधर उसका तो तारीख अभी निश्चय नहीं हुआ, तब तक राम सेतु का मामला आ गया, उसको कौन बचावे। राम सेतु बचावे कौन, जौन राम सेतु तैर रहा था पत्थर पर, अरे वही के जप ले जितना पत्थर है हम लोग भी ले चल के रख देंगे, एक एक टुकड़ा तभी बहुत हो जाएगा, सबको तैराए दो, उन्हीं शक्तियों से तैराए दो, यहां से लेके लंका तक सब ऊपर जमीने जमीन रास्ते रास्ते हो जाए, सड़क भी चले ट्रेन भी चले, तू भी आओ हम भी आवे। अरे एक धर्म कहा तो कि लिख दिया गया तो तैरने लगा पत्थर, क्यों नहीं तैरा रहे हो भाई, किसने मना किया तुमको, झूठ बोलते हो। राम जो सर्वशक्तिमान है, सब दस्ता है, सबको खिलाता पिलाता जिलाता है, सबका रखवाला है, सबका मकान बनाता है, उसका मकान बनाने का ठीका ये लोग लिए। क्या जो है, क्या इस देश के लोगों को पागल बनाते हैं, जो सबका बनाता उसका ये बनाने का ठीका लिए।
लेकिन अभी तक बना नहीं पाए। सरकार भी बना लिए और अभी तक बना नहीं पाए। मतलब रामों को भी धोखा। जो राम को धोखा देगा तो आपको क्या छोड़ेगा ये बता दो। आप बताओ राम को धोखा दिया कि नहीं धोखा दिया? कितना बड़ा धोखा। अरे इन सबों पर 420 का मुकदमा कर देना चाहिए। राम अगर आते तो मैं रिपोर्ट दर्ज करा देता कि तुम्हारा मकान अभी नहीं बना पाए। इसलिए कि बाबा साहब का संविधान है, सबकी सुनवाई होगी। राम अगर आवे और कहे ऐसी सुनवाई हो जाएगी। अतः उत्तर प्रदेश में आएगा तो हम फैसला कर देंगे। इसलिए आयोग का मैं अध्यक्ष हूं। उसमें कोई देर नहीं लगेगी। राम राजा पिछड़ा होके आवे, हमारे यहां मुकदमा दर्ज करावे तो निश्चित समझ लीजिए कि सबको मैं कटघरे में खड़ा कर दूं। उसके बाद सुनवाई करके निश्चित है कि फैसला कर दूं। कोई रोक नहीं पाए। लेकिन एक बात है, सरकार जो हमारी आठ में आ जा रही और नौ में वहां बहन जी बैठ जाए, इतना जरूर है कि हम बदला लेने की बात नहीं करते। हम लोग भगवान बुद्ध के वंशज हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन पर चल रहे हैं। ज्योतिराव फुले के वंश के हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम लोग बदला नहीं लेते, हम लोग सहयोग करते हैं। और यहां इतने में तो लोग हैं, सोनी है और ये स्वामी दीन कुशवाहा जी हैं, रामलखन सिंह पटेल हैं और सभी लोग साथी लोग हैं। सरकार बनेगी तो यही लोग बैठेंगे, सरकार तो ये लोग चलाएंगे। मैं यहां सरकार चलाने नहीं आऊंगा, लेकिन ये जरूर है आदेश निर्देश तो हमारा जरूर चलता रहेगा। मनमाना नहीं करने देंगे। मैं वहां कहूंगा कि इनका सहयोग करो, ये बेचारे अभी तक सरकार चलाने में फंस गए, सारी शक्ति सरकार चलाने में लगाने लगे तो राम मंदिर कैसे बनावे, राम सेतु कैसे रखवाली कर ले। इनका सहयोग कर देना है ताकि राम बेचारे का मकान भी बन जाए और उसके सेतु का रखवाली भी हो जाए। वो बेचारा परेशान है काफी दिनों से, लोग झगड़े में फंसा दिए रामों के। तो इन लोगों से हम कहेंगे बजट की कमी होगी नहीं। बजट तो हम बहन जी से कह के जितना बजट की जरूरत होगी सारी बजट हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले दे देंगे। वो बजट किस लिए होगा? बजट होगा जितने आरएसएस बजरंग दल भाजपा विश्व हिंदू परिषद इनके जितने नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर गांव गांव तक है, उन विचारों का सहयोग हम अपनी सरकार से कराएंगे। कैसे सहयोग कराएंगे? हर घर में खेल नहीं भिजवाएंगे। अरे इनको मंत्री बनवाने के लिए सहयोग करेंगे, राम सेतु बचाने के लिए सहयोग करेंगे, जेल और नहीं भिजवाएंगे। सहयोग क्या होगा? इन लोगों पर शक्ति हम करेंगे और ये लोग हर कलेक्टर से शक्ति करेंगे। बजट आवंटित हो जाएगा, जितने ये राम मंदिर का नाम लेने वाले लोग हैं इनको एक एक घंटा और मुंगरा हर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इधर सरकार चलेगी और उधर बाबा जी का घंटा बजाएंगे हर गांव, ताकि वो मंदिर बनवा लें
राम सेतु बचा ले, हम सहयोग करें भाई, हम सहयोग के बहाना रखें, इसलिए कि भगवान मुझे कदम है समता न्याय बंधु स्वतंत्रता दया मैत्री करुणा पर आधारित असली समाज के निर्माण वो है। इसलिए यहां तो हम सबके मत जो है कल्याण की बात करेंगे, उनका भी सहयोग करेंगे। एक बात मैं आप लोगों से आवश्यक रूप से करना चाहता हूं, आप उठा बैठक न करो, बैठ लो, ये बात सुन नहीं पाओगे, और हिम्मत हो तो असली बात सुनो, अगर हिम्मत है तो असली बात सुनने के लिए आप तैयार रहो। हिम्मत है असली बात सुनने की है? असली बात सुनने की हिम्मत हो तो हिम्मत से सुनो, तब बीच में उठा पटक मत करो, कोई उठे नहीं गए ना, सुन लो असली बात। यहां ये हम आपसे जानना चाहते हैं, कितने लोग यहां ऐसे हैं जो बगैर मां बाप के पैदा हो गए, कोई है ऐसा? कोई हो तो कम से कम दर्शन कर ले, कोई ऐसा नहीं है जो बगैर माता पिता के पैदा हुआ है। जब कोई बगैर माता पिता के पैदा हो नहीं सकता, केवल आदमी में नहीं, जल चर थल चर नव चर जीव चराचर, कोई बगैर मां बाप से नहीं पैदा हो सकता। जब बगैर मां बाप से पैदा नहीं हो सकता, जिस माता पिता ने पैदा किया है, जिलाया है, खिलाया है, यहां तक लाके खड़ा कर दिया है, उस माता पिता का कितना आदर किया, उस माता पिता कितना सम्मान किया, मुझे बड़ी चिंता है। ऐसे माता अपने माता पिता, असली माता पिता जिसने पैदा किया, उसका पैर छुआ नहीं, उसका सम्मान किया नहीं, उसका सेवा किया नहीं, और दूसरा चांडाल जो गुंडा गुंडी आ गया दरवाजे पर, अहंकारी आ गया दरवाजे पर, कोई नेता नुती आ गया दरवाजे पर, तो उसका जाके पैर छू लिया, सेवा करना शुरू कर दिया, यही से सत्यानाश हो रहा है। अरे माता पिता, जिस मां ने 9 महीने तक अपने पेट में रखकर अंदर पालने पोसने का काम किया और बाहर भी परिवार का सारा काम किया, पाला पोसा भी अंदर, और झंझावात परिस्थितियों से आपको बचाने का भी काम किया। जिस दिन मां हमको पैदा करने लगती है, उस समय चिल्लाती है, तड़पती है, जानलेवा पीड़ा होता है, वो जानलेवा पीड़ा का एहसास सिर्फ माएं जानती हैं, आप नहीं जानते हो। मां रोती रहती है, तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, कितनी माएं मौत की शिकार हो जाती हैं। जैसे ही मां रोती हुई, मां आंसुओं की धार बरसाती, मां जिस समय हमको धरती पर उतार देती है, पैदा कर देती है, वो समय रोती हुई मां हंस देती है और पूरे समाज को हंसा भी देती है। क्यों हंसती है, क्यों हंसाती है? इसलिए वो जान जाती है कि हमने आज सृष्टि का सृजन कर दिया। भले ही आप सृष्टि सृजन करता उसको मानते हो, समझते हो कि उसने पैदा किया, उसने पैदा किया, उसने पैदा किया,
आपसे ही तय कर लो, जो लोग आपके दरवाजे पर आ जाए और कहे उसने पैदा किया वो सिर्फ करता है, जो आगे कहे उसने पैदा किया वो सिर्फ करता है, जो आगे कह दे उसने पैदा किया वही सिर्फ करता है। आप को कसम है आज अगर वाकई में अपने मां बाप के पेट के से पैदा हुए हैं, आप अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, तो आज से ही तय कर लो, पूछना शुरू कर दोगे ऐसे लोगों से कि बताओ तुमको किसने पैदा किया, तू बगैर माता पिता के पैदा हुए है क्या, बगैर माता पिता के पैदा हुए तो तुमको ऊपर से कहां लटकाया गया था, खजूर पर आके अटके थे, नीम के पेड़ पर अटके थे, समुद्र में फेंके गए थे, कहां से आ गए तू, ये पूछने लगोगे तब लोग जान जाएंगे कि असली हो गए अब। ये पूछना शुरू कर देना है आज से, नहीं पूछोगे तो आप नकली कहलाओगे, असली नहीं कहलाओगे। इसलिए मैं आज कह रहा हूं अपने मां बाप का सेवा करो, मां बाप बुजुर्ग हो गए, उठ बैठ नहीं जा रहा, चल फिर नहीं पा रहा, नहा धो नहीं पा रहे, एक गिलास पानी लेके पी नहीं पा रहा है बाप, पी नहीं पा रही है मां, वो बुढ़ाई सब में आनी है, आज का बच्चा कल का जवान परसों का वो भी बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए अपने माता पिता का सेवा सबसे पहले, माता पिता के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई दुनिया में धर्म हुआ है ना, आगे भी कोई धर्म होने वाला है, कानपुर के सुन लो, माता पिता का सेवा, माता पिता का पैर छुओ, माता पिता का आदर करो, माता पिता के जिंदा रहते सबसे पहले माता पिता को खिला के नहला धुला के उसके बाद तू खाना खाओ पानी पियो और काम करना शुरू करो। जैसे मां बाप खुद खाना नहीं खाए अपने बच्चों को ला करके किसी तरह से खिलाए, खुद कपड़ा नहीं पहने अपने बच्चों को ला करके पहनाए, हमको जरा सा ठोकर लग जाता था तो मां को आंसू गिरने लगती थी, हमको सर्दी लग जाती थी तो पिता भी परेशान हो जाता था, वो माता पिता को भूल गए, माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी पिला दो पानी पिला दो पानी पिला दो पानी पिला दो, अब तू ऐसे नालायक निकले माता पिता को पानी के लिए तरसते प्यासे छोड़ के, नकली माई बाप काली माई गोरी माई एकती बैकती पतलकती माई पतलकता बाप गोबरे का माई गोबरे के बाप को लड्डू पेड़ा नारियल लेके पहुंच गए, चांदाल ऐसे लोगों का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा, मां बाप का आंसू तुम्हारे सत्यानाश का कारण होता है, असली पाठ पढ़ना पड़ेगा, माता पिता का आंसू गिरेगा तब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और माता पिता का सेवा करते रहोगे उनका आंसू पोंछते रहोगे उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते रहोगे। अगर पूजा करने का बहुत मन और बहुत शौक हो तो अपने माता पिता का ही फोटो खिंचवा के अपने घरों में लगा दे, वही पर अगरबत्ती धूप बत्ती जला दे, वही पर माला पहना करके उन्हीं का आवाहन कर ले, माता पिता जिंदा रहते गदगद हृदय से
अंदर के ही वैसे जो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद से आपका मुरझाया चेहरा खिल न उठे, तो जो चाहे सो सजा पाओ तौलिया को दे देना। ये नहीं करोगे बोले भटके हो। ये हजारों साल से उल्टा पाठ पढ़ाया गया है, नकली पाठ पढ़ाया गया है। नकली से आशीर्वाद लोगे, जैसे नकली फसल से टीवी में लहलाती खेती दिखाई पड़ती है, लहलाती खेती में लौकी कोण भी खड़ा हुआ है, साग सब्जी को लहला रही है, गेहूं का फसल और भी तमाम फसलें, धान की फसल लहला रही है, खरबूजा तरबूज फला हुआ है, तो आप चाहोगे कि तोड़ करके खा लेंगे तो खा पाओगे, उसे मिल जाएगा। लेकिन असली खेत में जाओगे तो असली चीज खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे, तोड़ के घर में ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, जब मिलेगा तसली मिलेगा, शक्ति मिलेगी तसली से मिलेगी, नकली से नहीं मिलेगी। नकली को दूध पिलाने जाते हो, सर नहीं आती, चिल्लू भत्तानी में डूब नहीं मरते। माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई और भी हो सकता है क्या? माता पिता के बाद सबसे बड़ा हमारा हितैषी होता है तो हमारा बड़ा भाई होता, कोई भाई होता है। उसके लिए कहा गया है कितना मिलिया कमी कभी थी दंछा, कितना भैया बैरी तुम्हें बताही मां, नीम का पेड़ कितना ही कड़ुआ क्यों न हो लेकिन छाया उसका शीतल होता है कि नहीं होता? उसका डाल पात तना